सत श्रीकाल नमस्कार सो टुडे इज़ ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च शहीद आजम शहीद भगत सिंह का आज यू नो शहीदी दिवस है एंड वी ऑल आर यू नो फैंस ऑफ दैट ग्रेट आईकॉन सो व्हाट गवर्नमेंट्स टिपिकली डू टू सेलिब्रेट द माटडर्म ऑफ एनी एनी वन हैज मेड बिग सेक्रीफाइस दे गिव अ पब्लिक हॉलीडे बट एट पंजाब टुडे हम इसको अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिकॉज यू नो हम जनरली जब भी किसी ग्रेट आदमी की लाइफ के बारे में सुनते हैं वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट वन पर्टिकुलर ग्रेट मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ ही वॉज हैंग्ड हाउ ही यू नो द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय एंड यू नो ऑनर्ड द डिग्निटी ऑफ आर नेशन बट ग्रेटनेस इज नॉट बिल्ड इन दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट अगर आप शहीद भगत सिंह की लाइफ को देखें हाउ ही कंडक्टेड हिमसेल्फ यू नो होन हार बिरवान के हो चिकने पात हाउ ही कंडक्टेड एवरी डे उनके डेली रूटीन्स बचपन से उनका जो इंटरेस्ट था टुवर्ड्स तो राइटिंग टुवर्ड्स तो रीडिंग और उन्होंने इवन ड्यूरिंग जेल टाइम सिर्फ यू नो किस तरह से अपने आप को रोज़ कंडक्ट किया एट यंग एज हाउ ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ अदर पीपल हुर जेल ड्यूरिंग दोस्ट टाइम पोलिटिकल प्रिजनर्स के लिए उन्होंने कैसे फाइट किया हंगर स्ट्राइक पे गए उन्होंने कैसे इंडियन और ब्रिटिश यू नो जो बेसिकली uh, प्रिजनर्स थे उनके अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा था उस चीज़ के अगेंस्ट भी अपनी आवाज़ उठाई तो टिल द लास्ट मोमेंट ही वॉज़ फाइटिंग फॉर द डिग्निटी ऑफ द नेशन तो आज पंजाब टुडे पे मैं यू you नो know, अपने यूथ साथियों के साथ यू नो भगत सिंह जी की उस लाइफ की इंपॉर्टेंट डिस्कशंस उनके बिहेवियर आज के यूथ उनसे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं एक डिफरेंट तरह की डिस्कशन करना चाहते हैं वी डोंट वांट टू फीड यू समथिंग विच इज़ ऑलरेडी अवेबल अवेलेबल ऑन गूगल और समथिंग बट उनके हर बिहेवियर से उनकी हर एक्टिविटी से क्या उनके करेक्टर के बारे में पता चलता है क्या उनके डे टू तो डे रूटीन्स के बारे में पता चलता है और आज हम उसको कैसे अडॉप्ट करके वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्स बिल्डिंग अ ग्रेट नेशन दिस इज वट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड टूडे सो इशरत आई विल स्टार्ट विद यू यू नो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर हम वी ऑल आर यू नो फैन बॉयज एंड गर्ल्स फॉर यू नो शहीद भगत सिंह ही सच अ रोल मॉडल एंड इफ वट इज़ वन थिंग दैट यू टेक अवे फ्रॉम हिज लाइफ एंड हिज सेक्रीफाइस ट्वेंटी थ्री एंड जाते जाते उनका मलाल ये था कि मैं लेन पढ़ रहा हूँ मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूँ एंड देन समबडी हु सेज़ कि आई एम सच ए लूनिटिक दैट आई एम फ्री इवन इन जेल यू नो ऐसे बंदे से आप जितना सीख पाए उतना कम है बट फॉर मी दिस हैज़ रिमेंड द मेन थिंग की यू वॉन्ट टू बी अ रेवोल्यूशनरी वेल एंड गुड बट यू आर सो वेल रेड यू नो सो मेनी थिंग्स कि आप देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे पर जेल में आकर आप फॉर बेटर राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स लड़ रहे हैं दैट इज माई वन लर्निंग की चाहे आपका एक गोल है आप एक चीज़ के लिए रेवोल्यूशन कर रहे हैं लड़ रहे हैं बट देर सो मेनी स्मॉल थिंग्स इन एवरी डे लाइफ एंड वेर एवर यू आर जो आप चेंज कर सकते हैं फॉर द बेटर सो रिबेल विद अ कॉज नॉट एन यू नो रिबेल विदाउट अ कॉज की अननेसेसरी जो आज के डेट में हम यूथ में देखते हैं दे आर रिबेलिंग बट दे डोंट हैव एनी मीनिंगफुल कॉज जो सोसाइटी को उनको यू you नो know, उनके आसपास की कम्युनिटी को बेटर कर पाए yes. हमें उस तरह के कॉज आइडेंटिफाई करने हैं लेट्स से कि इट कुड बी अगर वो इक्वलिटी ऑफ राइट्स आप अपने कोलीग्स के लिए आप अपने स्टूडेंट्स के लिए इफ बुलेट आई थिंक यू नो मैं अगर स्कूल से शुरू कि शहीद भगत सिंह ने जो थे, उनको पेटर खाना मिल रहा था. Player, पर so, गए उनकी फाइट के लिए सो दैट टोल्ड समथिंग अबाउट दी राइट और अगर आज यू you नो know, हमारे साथ हम एक, किसी ऑफिस में होते हैं या किसी क्लासरूम में होते हैं पर जो हमारे साथियों को यू you नो know, हमारे फेलो स्टूडेंट्स को इफ दे आर नॉट ट्रीटेड वेल वी शुड बी एबल टू टेक अप देयर राइट्स आई थिंक दैट इज द फर्स्ट लेसन इससे यू you नो know, कितनी प्रॉब्लम्स जो आजकल के बच्चे यू नो सर्टेन बुलिंग दे आर फेसिंग सर्टेन आइसोलेशन सर्टेन डिप्रेशन दे आर फेसिंग तो वी कुड बी एन हेल्पिंग हैंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ हो हम उसके लिए दैट इज नॉट द ओनली करेज द करेज इज यू नो एट द रिस्क ऑफ बीइंग अनपॉपुलर

वेरी हार्ड वर्किंग एंडियर पेटोरिज्म उन्होंने बोला कि अगर इट इज दर्डन ऑफ वाइट मैन टिपिकली बोला जाता था टू इन लाइटी जब आप इंटलेक्चुअली उनके पियर बन के hmm. जब आप उनसे बात करते हैं तो उनकी वो जो मॉरल हाइक्राउंड है वो उन्होंने छीन ली देर hmm. इंटलेक्चुअली

यूथ विल ऑलवेज बी अ फैन ऑफ हम बिकॉज वो बड़ा रेवोल्यूशनरी था अगर कुछ गलत हो रहा है तो हथियार उठा लो बट द प्रॉब इज भगत सिंह मेड अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन जो सबसे फेमस उनका इंसिडेंट है कि असेंबली में बॉम्ब ग अबाउट इट की वो वायलेंस नहीं है आई डोंट वॉन्ट टू किल एनी वन बट इट वॉज जस्ट एन इनोवेटिव वे टू मेक इज वॉइस नेरेटिव सही करना बहुत जरूरी um, है इट कैन नॉट बी ले

ज की पंजाबी यूथ एट लीट इज एबल टू डिफरेंशिएट की हाँ ये सिंगर को हम पसंद करते हैं पर इसको अपना पोलिटिकल लीडर हमने नहीं बनाना सो yeah, so, so, अच्छी बात है इलेक्शन नहीं जीता ऐसा एक सिंगर नो अगेन वो एक बात है पर चलो हम थोड़ा सा डेग्रेस कर रहे हैं वेरी स्ट्रॉन्ग वेव राइट right? पर अगर वो सिंगर ये सोच पा रहे हैं कि पॉपुलैरिटी yeah. you know, yeah. तो आज हमारे यूथ एट योर कोर प्रिंसिपल्स हाउ वेल यू सर्व पीपल और शहीद भगत सिंह का भी था सर्व नेशन इन वट वे उनकी लर्निंग का भी पर्पस ये था कि टू स्प्रेड ही बिकेम एन आइकॉन ड्यूरिंग पूरे नॉर्थ इंडिया में बिकॉज उस टाइम पे कम्युनिकेशन आज तो ही गौन। yeah. पूरे नॉर्थ इंडिया में हाउस होल्ड एंड दी राइटिंग वो जब यू you नो know, बेल पे भी आए राइट mm. right? उन्होंने तब भी यू नो दी ही रोड फॉर लॉट ऑफ न्यूज पेपर्स तो ऐसा नहीं था कि बस एक बंदा यह भी सोच सकता है कि यार आगे मेरे को आई एम अबाउट टू डायर समाइक दैट सो आई शुड जस्ट है गुड टाइम बट नो

उनकी लाइफ हमेशा इस बारे में थी इफ यू रिमेंबर मैं एक हिस्टोरियन को अभी पढ़ रहा था जो अरेस्ट असेंबली में बॉम्ब फेंकने के बाद हुआ वो वॉल्टियरी था वो भागने की कोशिश नहीं थी बिकॉज ही वॉज टोल्ड उनके साथियों की तरफ से कि तेरी जो आवाज है वो बेस्ट तभी होगी अगर तू कोर्ट में अगर जेल में से बोलेगा अगर तू बाहर हो गया आ गया तो तेरे पास लिमिटेड होगा सो so, आई I मीन mean, ये सोच और ये हौसला फॉर अ ट्वेंटी ईयर ओल्ड कि हाँ मैं जेल में रहूंगा बस इसलिए कि मेरे जो आइडियाज जो मैं रेवोल्यूशन करना चाह रहा हूँ वो मैं लार्जर मासेस तक पहुंचा पाऊंगा आई मीन दैट इज अनबिलीवेबल ऐसी ब्रेवरी ही बहुत कमाल है और उसके साथ ही सर ही वॉज एन एथिस्ट एंड ही रॉट सेवरल आर्टिकल्स ऑन एन उनका मानना था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दो अलग चीज़ें हैं और इसको अलग रखना चाहिए पर मौजूदा स्थिति ये नहीं कहती है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए शांति दुनिया भर में हो जाएगी मुझे लग रहा है देखो यू नो आइडियोलॉजीज चेंजिंग आज की डेट में रिलीजन बीइंग यूज्ड एज अ टूल यू नो बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू गैदर वोट्स यू नो जो लोग मतलब कि वही पॉलिटिशियन आज यू you नो know, उनको यू you नो know, आदर सम्मान दे रहे हैं उनके नाम को यूज कर रहे हैं आज यू you नो know, सारी गवर्नमेंट्स दे वॉन्ट टू अप्रोप्रिएट लेगेसी ऑफ शहीद भगत सिंह टू क्रिएट देअर ओन पोलिटिकल माइल स्टोन राइट और अगर अगेन मैं इस बात में बोलूंगा आइडियोलॉजीज विच आर नॉट टूडे वर्किंग ग्लोबली बट उनका विजन जब उनको फॉलो करने का था इट वॉज द लेसन फ्रॉम इट दउटकम वो उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई बट इक्वेलिटी फॉर एवरी वन दिस इज वट ही वेल्टेन ही रिलीजन लाइक अबाउट like hmm. कि भाई मैं हिंदू हूँ मैं सिख हूँ मैं मुस्लिम इट वॉज डिफरेंशिएटिंग एंड ओनली डॉगमा या उनका एक जो सबसे स्ट्रांग बिलीव था नेशनलिज्म टुडे अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को उनके वंशज मानते हैं हम उनको आदर करते हैं पर आज हम अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट के बैठे हैं हम अपनी ग्रुप hmm. आइडेंटिटीज बना के बैठे हुए हैं हम रीजनलिज्म okay. की तरफ आ रहे हैं hmm. हमारी पोलिटिकल पार्टीज नेशनल इंटीग्रेशन से अगर कोई सच्चा यू you नो know, शहीद भगत सिंह को मानने वाला है सो दैट पर्सन विल टॉक अबाउट ऑल इंडियन एंड प्रॉब्लम इवन फॉर द्लोब राइट अल्टीमेटली तो यही गोल होना चाहिए बट एटलीस्ट इन द करंट सैनैरियो वी शुड सी आर सेल्फ एज वन पीपल एज वन नेशन और रीजनलिजम रीजनल पॉलिटिक्स और इस, इसका है, देखो जो सबसे थी शहीद भगत सिंह की जो उनको बहादुरी सच बोलने का उनके अंदर करेज था टू स्टैंड फॉर अदर्सोल्यूशनरी बिकॉज ही वॉज ब्रेव तो आज जब हम अपने और उनके अंदर करेज था कि आई विल डिनाउंस एनीथिंग दैट डिफरेंशियम के आज आज भी कोई बोले कि मैं रिलीजन आई डोंट बिलीव इन रिलीजन उसकी तरफ भी लोग ऐसे होकर के देखते हैं ही ही इज इज एन नॉट एंटी या यू नो किस तरह की स्टेटमेंट है और उस टाइम पे ये बात बोलना दैट आई आई एम एन डोंट बिलीव इन गॉड दैट शोज हिज करेज टू स्टैंड फॉर हिज वैल्यूज और आज हम इतने डरे हुए लोग हैं कि इसीलिए लोग हमें डिवाइड कर पाते हैं नेता ये आपको बोलता है कि भाई मैं तुम्हें तो बचाऊंगा वो हमारे डर को यू नो प्रोपेल करता है हुँ. और उसके बेसिस पे हमें हमें बांटता है है और हम भी ब्लाइंड कर देता इंग्रेडिएंट टू बी अ गुड पर्सन आल्सो अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना एक रेवोल्यूशनरी तो छोड़ो हुँ. अगर आपको बेसिक अच्छा इंसान बनना जो आदमी डर गया हुँ. वो अच्छा इंसान रहने के भी चांसेस वो क्रूअल हो जाएगा राइट वो शॉर्ट टर्म सोचेगा वो किसी को धोखा देने के लिए रेडी रहेगा उसको लगेगा कि कल को शायद मेरे को, this, कि हम डरे हुए। कल को पता नहीं क्या होगा आज पैसे इकट्ठे कर लेते हैं नहीं। नहीं। तो अगर एक क्वालिटी जो हमने इंकल्केट करनी है जिसके बेसिस पे बाकी क्वालिटीज आएंगी शहीद भगत सिंह से वो उनकी बहादुरी इट इज सो ऑब्वियस पर उस निडरता की वजह से जो बाकी क्वालिटीज वो इनकलकेट कर पाए वो उसी वजह से कर पाए आई मीन इंडिपेंडेंट फ्री थिंकिंग जिसकी हमें बहुत जरूरत है जो आप भी बात कर रहे हैं हमारे लीडर्स चाहे हमें किसी भी चाहे कोई खतरे में है कोई रीजन खतरे में है या कोई कास्ट खतरे में है हुँ. वो अगर हम उससे ऊपर उठ पाएंगे वो तभी होगा वी विल हैव द करेज एंड उसके लिए हमें खुद पढ़ना पड़ेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल एक बहुत कॉमन कोट है कि वी आर ड्राउनिंग इन इन्फॉर्मेशन बट वी आर स्ट फॉर नॉलेज सो इस सारे इन्फॉर्मेशन में से ये हमें फिल्टर करना पड़ेगा सही इन्फॉर्मेशन बिल्ड दैट इंडिपेंडेंट फ्री थिंकिंग एंड देन प्रॉबेबली जब हम माइंड में से उस फियर को निकाल पाएंगे तो हमारी वो लाइफ में भी आएगा एंड देन दीज लीडर्स इनकी जो मंशा होती है हमें किसी भी तरह डिवाइड करने की या डराने की वो तब उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे एंड आई थिंक दैट इज़ वेन भगत सिंह की लाइफ को हम एक्चुअली अपने में ला सकेंगे सर क्वालिटीज इनकलकेट करने की बात हो रही मैं पढ़ रही थी कि वो अच्छे लीडर हैं निडर थे आ, अच्छे पाठक अच्छे लेखक उसके अलावा गंभीर होने के अलावा ही वॉज़ अ डिसेंट सिंगर ही वॉज सो मच इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और मैं पढ़ रही थी कि अपने साथी सुखदेव के साथ वो एक मील स्किप करके uh, अंग्रेजी मूवीज़ देखने के इच्छुक थे

आज हमारा बच्चा मैथ्स शायद ज्यादा जानता हो मैथ्स पे साइंस पे सब पे नोटबुक्स भरता हो पर अपने आप को उतनी तरह से नहीं जानता है। तो एक जो रिफ्लेक्शन का टाइम यू नो चाहे फोर्स्ड चाहे वॉलेंटरीली शहीद भगत सिंह को मिला रिफ्लेक्ट करने का आज हम इस रेस में लगे हुए हैं हम अब रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते जब आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स नहीं देख पाओगे आप इंप्रूवमेंट्स कर नहीं पाओगे तो ये एक मेजर चीज थी जो आज का मॉडर्न बच्चा करंट इन एन इंडिपेंडेंट यू नो कंट्री लाइक इंडिया जो एक मेजर चीज जो सीख सकता है सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छी रीडिंग हैबिट्स एंड लिखने की आदत hmm. कि लिखना चीज़ों को डीपली सोचना एक थॉट को लिखना अपने बारे में लिखो वेर डू यू सी टेन ईयर्स डाउन द लाइन यू नो शहीद भगत सिंह लिखते थे कि वो आज़ाद देश को किस तरह का देश देखते हैं hmm. तो आप भी देखो हम आज़ाद हैं राइट right? आज से दस साल बाद आप किस तरह का इंडिया देखते हो हुँ. फिर आप बैक बैक कैलकुलेशन कर सकते हो कि मैं इसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करूं मेरा क्या रोल इसमें हो सकता है हुँ. आप लिखो आप अपने आप को दस साल बाद कहां पे देखते हो राइट तो right? तो मैं तो आज यू you नो know, सारे जो भी इस वीडियो को देखे मैं हुँ. उनको बोलूंगा कि तेईस मार्च आज है ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो यूथ इसको देख रहा है वो ट्वेंटी तेईस मार्च ट्वेंटी थर्टी टू को क्या कर रहा होगा वो उस चीज को डिफाइन करे उसको लिखे कि दिस इज हाउ आई विल बी मेकिंग माय नेशन बेटर उसमें अपनी पर्सनैलिटी अपनी वैल्यूज के बेसिस पे हर किसी को सेम तरीके से नहीं करना है जो शहीद भगत सिंह का टाइम था ही डिड द बेस्ट दैट दैट कुड कुड बी डन एट पॉइंट ऑफ टाइम टाइम इज डिफरेंट डिफरेंट यू इन अ वेरी वे अगर आप पैंतीस साल के हो तीस साल के हो राइट right? तो आप लिखो आज से पांच साल बाद अपने आप को कहां देखते हो बट राइट दैट विजन कि ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च मैं ये हैबिट ही बना लें कि आई थिंक शहीद भगत सिंह जी का दिन एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का दिन आए Hmm. उनका शहीदी दिवस शुड बी अ सेल्फ रिफ्लेक्शन डे अगर हम hmm. उसको उस तरीके से मनाएं hmm. कि हम अपने आप को कहां पे देखते हैं hmm. हर साल बाद हम उस नोटबुक को निकालें कि क्या एक साल बाद वहां पहुंचे hmm. हमने उस तर, उस डायरेक्शन में स्टेप लिए आई थिंक रादर देन 1 जनवरी जहां में हमारे रेजोल्यूशंस फेल होते हैं द स्पिरिट ऑफ शहीद भगत सिंह कैन मेक अस फॉलो दोस रेजोल्यूशंस

वी आर कलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम्स हमारे इमोशंस हमारे सिस्टम हमारा वी आर कलेक्शन ऑफ डाटा वी आर एफिशिएंट प्रोसेसर दैट वाज एवर बिल्ड इन यूनिवर्स तो हम यू you नो know, एक एक प्रिविलेज मिली है राइट hmm. right? तो हम अपने अपने अंदर की इस कैपेबिलिटीज को इन्हांस करें लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी इन हमें उसको पहचानना है hmm. और उसको पॉजिटिवली you know, हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे जो hmm. शहीद भगत सिंह ने किया hmm. उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए कुछ कर गुजरे Hmm. मैं कहता हूं कि आज आपके अंदर शहीद भगत सिंह वाली नहीं कैपेबिलिटी है आप लेजी हो आप आपने अभी तक पढ़ाइयां नहीं की हैं आपने कुछ गलत आदतें सीख ली हैं आप फिट नहीं हो पर आज से शुरू करो अपनी कैपेबिलिटी रोज बढ़ानी शुरू करो आज अपने लिए कुछ लायक बनो फिर अपने आसपास चार पांच फैमिली मेंबर्स के लायक बनो फिर कैपेसिटी और बढ़ाओ जब आप कॉन्टिन्यूस चलोगे देन यू कैन एक दिन जैसे आपने मेंशन किया था कि 2024 था कि तो जब तक कैपेबिलिटी बढ़ाई कहीं पे बंदूक चलाने भी सीखी होगी राइट सारी सिस्टम को कैसे करना नेविगेट करना भी सीखा होगा तो उन्होंने उनको जहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने सर्टन स्किल सीखे तो आप लोग भी हम यूथ भी वो स्किल सीखें आज के हर सिटीजन सीखे hmm. कि हम कैसे अपने अंदर और कैपेबिलिटीज बिल्ड करें कि हम अपनी सोसाइटी अपने देश इस दुनिया के लिए कुछ और बेटर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए शहीद भगत सिंह द यूथ आईकॉन ऑफ द ग्लोब फॉर दिस ईयर लेट्स स्प्रेड दैट मैसेज लेट्स ब्रिंग मोर पीपल टूगेदर आई थिंक दैट कुड नॉट बी अ बेटर रोल मॉडल राइट नाउ अक्रॉस द ग्लोब यू नो जिस तरह के हम वर्ल्ड में हैं इस वक्त जिस तरह की दुनिया चल रही है जो अनसर्टेंटी है आई थिंक मोर ब्रेव सोल्स लाइक शहीद भगत सिंह रिक्वायर्ड हु बिलीव इन हुक्वेलिटी आज यू you नो know, देश भी किसी देश की फिलासफी को गलत बोल के इन टर्म्स ऑफ चाहे डेमोक्रेटिक चाहे यू नो सम अदर वेज अथॉरिटेरियन बोल के या कोई किसी को डेमोक्रेटिक बोल के या इन एफिशियंट बोल के या उनके कलर के बेसिस पे वी आर क्रिएटिंग इन राइट इन द नेम ऑफ रिलीजन इन द नेम ऑफ नेशनैलिटीज इन द नेम ऑफ यू नो दैंगेज जियोलोकेशंस आई थिंक ही कुड बी दू यू नो आज अगर पुतिन और जो बाइडन Hmm. और इन सब लोगों को अगर एक बार ये शहीद भगत सिंह की बायोग्राफी पढ़ लें आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ लॉट बेटर प्लेस डेफिनेटली एंड वही बात है प्रॉब्बली वी डोंट सेल एज एज ह्यूज सम अदर कंट्रीज आर डूइंग एंड वी नीड टू डू दैट डोट गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू टेक इट अप राइट सो आई होप यू गाइज लाइक दिस डिस्कशन क्योंकि कुछ ऐसी बातें दैट पुट थिंग्स इन टू परसपेक्टिव वॉट भगत सिंह स्टूड फॉर एंड वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम द आइडियाज द स्पिरिट एंड ऑलवेज़ हैविंग अ कोज विच इज ग्रेटर देन सेल्फ होपफुल हमने आपको वो मोटिवेशन भी दी है एंड वो तरीका भी जैसे सर ने बताया हमने दिया है जिससे आप आज ही वो शुरुआत कर सकते हैं होपफुली यू विल डू दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग